हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज का वीडियो हम होने वाला है बहुत ही ज़्यादा खास, क्योंकि आज हम करने वाले हैं अपना मोटो व्लॉग सेटअप तैयार। तो आप लोग को बेस्ट मोटो व्लॉग सेटअप तैयार करके हम दिखलाने वाले हैं आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चाहिए दोस्तों आप लोगों को मोटो व्लॉग के लिए एक बेस्ट कैमरा, जो कि अपने पास है गोप्रो हीरो 10। इसका अनबॉक्सिंग हमने बहुत पहले कर दिया था, आप लोग मेरी चैनल पे चेक आउट कर सकते हो, वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए आप लोग को दिखलाते हैं अपना गोप्रो। तो इसको अनबॉक्सिंग तो कर दिया था, तो फटाफट दिखला देते हैं आप लोग को। आपके अपना कैमरा को रख देते हैं साइड में, और ये है अपना गोप्रो का जो है बॉक्स है, इसको निकाल के दिखलाते हैं। ये है फिलहाल, तो ये सब नहीं चाहिए हमको, सिर्फ ये चाहिए। ये रख दिया अपना कैमरा, इसको कर दे रहे हैं साइड में। ये है अपना गोप्रो हीरो 10, जो कि कुछ इस प्रकार से है। तो इसको रखते हैं साइड में। और सेकंड में चाहिए दोस्तों आप लोग को ये है गोप्रो का माइक एडाप्टर, इस साइड से दिया है भाई। भाई साहब ये तो बहुत ही ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट है ना, 4,799 रुपये का है ये माइक अडाप्टर। तो आप लोग को दिखलाते हैं इधर ओपन करके इसको। ये कुछ गाइडलाइंस हैं, ये है दोस्तों गोप्रो का माइक एडाप्टर। इसके बिना आप गोप्रो में साउंड रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ये है इसका जो है यूएसबी केबल और चार्जिंग केबल, और ये है माइक्रोफोन के लिए केबल, और ये जाता है गोप्रो में। तो इसको रख देते हैं साइड में, और इसको भी कर देते हैं साइड में। तो फ्रेंड्स अब चाहिए बोया M1 का माइक, जो कि भाई साउंड क्वालिटी में बीस्ट माइक है। बड़े बड़े यूट्यूबर भी यही माइक यूज़ करते हैं। तो इसका भी अनबॉक्सिंग कर देते हैं और निकलाते हैं हम। ये उसका पॉलीथीन है, तो इसको तो फिलहाल अभी कुछ काम नहीं है। बोया M1 का माइक भाई, जो कि बहुत ज़्यादा लंबा केबल है, तो हेलमेट पर फिट करने के लिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है। इसको रखते हैं साइड में। और फिर नेक्स्ट में है, इसके साथ हमें दिया है सेल वगैरह है, और ये है माइक्रोफोन के लिए केबल है। प्रोडक्ट है चाहिए दोस्तों आप लोग को उलांजी का केस माउंट। सभी प्रोडक्टों का प्राइस लिस्ट आपको लास्ट वीडियो के लास्ट में बता देंगे कितना कितना लिया था उसको। तो इसको अनबॉक्स करते हैं। रखते हैं साइड में, और ये है मेन चीज़ भाई गोप्रो का जो है उलांजी का केस माउंट, देख ही सकते हो आप लोग। तो इसको भी रख देते हैं साइड में, और इसके साथ है ये दिया है, जब गोप्रो आप यूज नहीं करोगे, रिकॉर्ड नहीं करोगे, तो इसको ढक्कन दिया है, बंद करके रख सकते हो आप लोग। तो इसको भी रख देते हैं साइड में। तो ये भी है तो माइक का है, इसको भी रख देते हैं साइड में। नेक्स्ट चीज़ चाहिए दोस्तों आपको एक हेलमेट माउंट, है ना दोस्तों। ये जो है हेलमेट माउंट है, ये हेलमेट के आगे साइड में ऐसे फिट होता है, जिससे आप कैमरा और मोबाइल दोनों को इसमें फिट कर सकते हो। तो ये सब तो एक गोप्रो का एक्सेसरीज था, जो अब मेन चीज़ है दोस्तों। अब आपको चाहिए एक बेस्ट क्वालिटी का हेलमेट, जो कि ये है अपना हेलमेट खरीदा था, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। इसको प्रेस करूंगा तो ये खुल जाएगा, ये देख सकते हो भाई, ये फीचर है हेलमेट में। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, और फटाफट करते हैं अपना मोटो व्लॉग सेटअप तैयार। तो सबसे पहले आपको हम इसको लगा देंगे यहीं पे, इसको कुछ इस प्रकार से ऐसे फिट करने का रहता है,
है ना, बहुत ही इजी है फिट करना। इधर जो है पीछे साइड में क्लिप दिया रहता है, आप लोग को दिखला देते हैं पीछे साइड से, ये है क्लिप है इसका, ये देख सकते हो आप लोग। अच्छे से टाइट करना है क्योंकि भाई रिक्स नहीं लेना है ना। तो ये कर दी हमने इसको टाइट, और एक साइड का और लगा लेते हैं। और ये अपना जो है हेलमेट माउंट, या फिर इसको आप लोग चिन माउंट भी बोल सकते हो, ये जो है अपना हेलमेट में हो चुका है फिट। इसको कर देते हैं साइड में। और इसके लिए तो ये सब दिया था, ये मोबाइल के लिए है, लेकिन अपने पास तो है गोप्रो Hero 10, एक बेस्ट एक्शन कैमरा है ना। ये चीज़ जो हेलमेट में फिट करने के बाद आपको चाहिए, हम करेंगे इसको। ये है Boya M1 का माइक्रोफोन है ना, तो इसको यहीं पे हेलमेट में अटैच करने का रहता है, इधर साइड में पैडिंग वाला हेलमेट आपको बाई करना है जब भी लेना है तो, जो कि यहाँ पे खुल जाता है। इसको फटाफट इधर अंदर साइड करके आप लोग को दिखलाते हैं ना। तो ये माइक्रोफोन में हमको सेल डालना पड़ेगा क्योंकि ये सेल से चलता है। और ये है उसका जो है नॉइस रिमूवर है, देख सकते हो आप लोग, इसको भी रख देते हैं साइड में। और ये है कैमरा के लिए, और ये क्लिप्स है, और ये है सेल जो कि माइक्रोफोन में अभी डालेंगे तभी माइक्रोफोन ऑन होगा। फिर इसका ढक्कन को लगा देते हैं। तो फाइनली जो है अपना माइक्रोफोन हो चुका है रेडी। तो इसको करते हैं हेलमेट में फिट, और ये चीज़ को हमको हेलमेट के अंदर छुपाना पड़ेगा। और ये माइक जो है हेलमेट के इस साइड में ऐसे फिट करना पड़ेगा यहाँ पास, क्योंकि इधर ही से वॉइस अच्छा आएगा। तो चलिए इसको फटाफट करते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स, हमने जो है माइक्रोफोन को इधर हेलमेट के अंदर अंदर छुपा दिया है, इधर जो है देख सकते हो आप लोग। और आपको दो केबल को बाहर रखना है, ये है माइक्रोफोन का वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए, जो कि यहाँ पास आपको फिट करना है। इसको फिट करते हैं। और एक चाहिए आपको, ये जो है गोप्रो में फिट होगा। तो फ्रेंड्स, ये तो माइक्रोफोन और जो है हेलमेट माउंट जो है फिट हो चुका है। ये है उलान जी का जो है केस जो हम यूज कर रहे हैं, ये खुल जाता है भाई कुछ ऐसे, आप लोग को दिखलाते हैं। ये चीज़ अपने कुछ काम करेंगे क्योंकि ये जो है फ्लैश लाइट वगैरह के लिए, इसको निकाल देते हैं साइड में। और ये है ढक्कन, जब कैमरा यूज नहीं करोगे तो इसको बंद करके रख सकते हो आप लोग। फ्रेंड, इसको ऐसे इधर करना है और ये खुल जाएगा, और इस साइड को ऐसे नीचे करना है और ये भी खुल जाएगा। इसमें गोप्रो को यहाँ जो है फिट करेंगे। तो इस साइड से जो है ये अपना गोप्रो Hero 10, तो इसको अंदर फिट करते हैं। उससे पहले आप लोग को इसका गोप्रो को इस साइड का जो है निकालना पड़ेगा, इसको निकाल लेते हैं बड़े सावधानी से। तो ये निकल चुका है ऐसे, और इसके अंदर जो है बैटरी है, और ये साइड में है माइक्रोफोन। तो इसको अब फिट करते हैं इसमें। तो ये अच्छे से इस प्रकार से ऐसे फिट करने का रहता है। तो फाइनली फ्रेंड्स, ये जो है अपने गोप्रो उलांजी के माउंट में फिट हो चुका है। तो इस साइड से जो है बैटरी जैसे डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। और ये तो कुछ इस प्रकार से दिया है, तो इसको कुछ यूज नहीं, इसको भी निकाल देते हैं फिलहाल। कुछ इस प्रकार से निकल चुका है ये। और ये जो उसका ढक्कन था,
बैटरी साइड का, इसको संभाल के रख देना। तो इसको अब जो है बंद कर देते हैं, ये हो गया बंद इस साइड, और इस साइड को भी बंद करते हैं। तो फ्रेंड ध्यान में रखना, जब ये अब वाटर प्रूफ नहीं रहा क्योंकि इस साइड का जो है निकल चुका है, तो इसको बंद कर देते हैं। तो उलांजी कैश मोड में फिट करने के बाद गोप्रो कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। तो अब नेक्स्ट में हमको करना है गोप्रो का माइक अडाप्टर को इसमें अटैच। तो चलिए इसको अटैच करते हैं उसमें और दिखलाते हैं आप लोग को। तो ये है अपना गोप्रो हीरो 10 और ये है माइक अडाप्टर। तो इसको फिट करना है कुछ इस टाइप से, इसको अंदर फिट करना है। ऐसा मत करो यार। तो फाइनली फ्रेंड्स ये है कुछ इस प्रकार से ऐसा फिट होगा जो है माइक अडाप्टर अपने उलांजी केस माउंट में डालना है इधर, जो गोप्रो के चार्जिंग केबल में। ये हो जाएगा ऐसे फिट। तो फाइनली फ्रेंड्स अपना माइक अडाप्टर अपने गोप्रो में फिट हो गया है और अपना गोप्रो को जिस प्रकार से लग रहा है, थोड़ा साइज में बड़ा दिख रहा है। हमको करना है इसको हेलमेट में इधर हेलमेट माउंट में इसको अटैच करना है, फिट करना है। तो चलिए फिट करते हैं अब। तो कुछ इस प्रकार से आपको फिट करना है इसमें। इसका जो है दिया था इसको करते हैं इधर स्क्रू को फिट टाइट। फ्रेंड इसको बड़ा ही सावधानी से करना है, फटाक से इसको देते हैं अब टाइट। चुका है अपना ये फिट हो चुका है कुछ इस प्रकार से दिख रहा है फिट करने के बाद अपने हेलमेट में ये। तो अब हमें करना है माइक्रोफोन को इसमें अटैच माइक्रो अडाप्टर में। तो ये दिया है केबल, इसको करते हैं इधर फिट। ये हो चुका है फिट। फाइनली फ्रेंड्स अपना जो है मोटो व्लॉग सेटअप हो चुका है तैयार। आप लोग देख सकते हो ये अपना कैमरा है और अंदर साइड है ये माइक्रोफोन का जैक है और ये है साउंड अडाप्टर माइक अडाप्टर है ना। और फिर ये देख सकते हो इधर से वॉइस रिकॉर्ड करेगा गोप्रो में अपना। तो आप लोग को बता दें अपना ए टू जेड प्राइस कितना किया क्या पड़ा है उसको। तो ये है गोप्रो का एक्शन कैमरा 10, तो ये पड़ा है हमको 30,000 रुपये में। और ये है माइक अडाप्टर जो कि हमने अमेजोन से ऑर्डर किया था 4,799 रुपये में। और ये माइक है बोया M1 का, ये हमें पड़ा था लगभग 400 रुपये का। और ये है फ्रेंड्स हेलमेट माउंट या चेन माउंट भी बोल सकते हो आप लोग, ये पड़ा था हमको 350 का। और ये है उलांजी का केस माउंट, ये पड़ा था हमको लगभग 1,200 रुपये का। ये है हेलमेट जो कि भाई बहुत ही अच्छा लग रहा है हेलमेट, इसको हमने बाई किया था लगभग 2,200-2,300 रुपये का है ये हेलमेट। तो फ्रेंड्स अपना जो है मोटो व्लॉग सेटअप हो चुका है पूरा रेडी भाई साहब यूज करने के लिए। इसका वीडियो आप लोग को कैसा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना। और फिर नेक्स्ट वीडियो हम करने वाले हैं एक प्यारा सा राइड। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और कुछ भी पूछने का रहेगा तो आप लोग
कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और ये सब सामान का मैं जो है लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से भी जाके इसको बाय कर सकते हो। तो फिर आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।